हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं लेके जा रही हूँ आप लोगों को ग्वालियर, जो ग्वालियर किला है उसको देखाने के लिए, और उसका टिकट प्राइस कितना है, कैसे जाता है और कब। और ग्वालियर का जो किला है वो बहुत ही फेमस है, तो चलिए आज ग्वालियर का किला को देखते हैं। जो ग्वालियर का किला है वो तो आप लोगों को पता ही है, वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का अगर ग्वालियर का नाम बोला जाता है तो जो ग्वालियर का किला है उसका नाम सबसे पहले आता है। और जो ग्वालियर है वो देखने में बहुत ही एक खूबसूरत सिटी भी है। तो चलिए, जो ग्वालियर का किला है उसका जो टाइमिंग रहता है वो रहता है, आप लोगों को मैं बता दूँ, जो मॉर्निंग 7 बजे से इवनिंग 5:30 पर। और उसका जो एंट्री फ़ी है, उसका एंट्री फ़ी है इंडिया के लोगों के लिए 75 रुपीज़ पर पर्सन। अगर छोटा बच्चा है 15 साल के नीचे तो उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है। अगर आप लोगों को ग्वालियर का किला देखना है तो मॉर्निंग से ही अच्छा है, क्योंकि जो ग्वालियर है किला है उसके ऊपर से जो ग्वालियर फुल सिटी है उसको आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से। मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम में जो ग्वालियर का सिटी है उसको बहुत ही खूबसूरत लगता है, जो ग्वालियर का किला है इसके ऊपर से। बोला जाता है जो राजा वगैरह रहता था ग्वालियर किला में, वो लोग ऐसे जगह पर इस किला को बनाया था कि जो पूरा सिटी था उसको उसकी निगरानी में रख पाए, इसलिए वो लोग जो ग्वालियर का किला है इसको बहुत ऊपर में बनाया है। अगर आप लोग ग्वालियर का किला को देखना है, अगर आप लोग एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से जो ग्वालियर का किला है उसका डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, ओनली 8 किलोमीटर है। और अगर ट्रेन से आ रहे हैं, जो ट्रेन है, ट्रेन से जो ग्वालियर का किला है उसका डिस्टेंस ओनली 3 किलोमीटर है। तो अगर आप लोग भी ग्वालियर आ रहे हैं तो ग्वालियर किला को एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। उसका जो बनावट है वो बहुत ही खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है आप लोग आके देखेंगे तो ही पता चलेगा। और इसके ऊपर से जो इवनिंग में जो ग्वालियर सिटी दिखता है वो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, इतना खूबसूरत है आप लोग देखने के बाद ही पता चलेगा। तो आप लोग भी ग्वालियर का अगर टूर कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो ग्वालियर किला भी अपने टूर में शामिल कीजिएगा। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर घंटा का बटन है उसको भी दबाना मत भूलिए। तो चलिए, मिलते हैं अगला वीडियो में।